काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन व अस्सलातु व अस्सलामु अला मन काना नबियन व आदम बैनल मा'इ व अत्तीन व अला आलिही व अहलि बैतिही व असहाबिही अजमईन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बाब तहरीज़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफ़द अब्दुल क़ैस अला यहफ़ज़ुल ईमान वल इल्म व युख़बिरु मन वराहुम। क़ाला मालिक बिन हुरैस क़ाला लना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्जु इला अहलीकुम फ़अल्लिमूहुम। सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि आला हज़रत ने सिर्फ सलाम लिखा है, दुरूद पाक कहाँ लिखा है। तो क़ुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो इस आयत करीमा में दुरूद का भी जिक्र है और सलाम का भी जिक्र है। अब जो है बहुत से जो है ये कहते हैं कि साहब आला हजरत ने तो सिर्फ सलाम लिखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, लेकिन जो है उन्होंने आला हजरत को पढ़ा नहीं है, आला हजरत की किताबों का मुताला नहीं किया है। आला हजरत ने जहां सलाम लिखा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वही दुरूद पाक भी लिखा है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है आला हजरत को। आला हजरत ने दुरूद भी लिखा है तो पूरे तौर पे लिखा है, सलाम भी लिखा है तो पूरे तौर पे लिखा है। तो आला हजरत इस शेर में फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी आकाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़ाते गिरामी वो है कि जब अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं छुप पाया तो और दुनिया की क्या चीज आपकी निगाहों से पोशीदा रह सकती है, कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती। मैं हदीस पाक
आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, मदीने की जानिब लो लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार आला हद्दसना गुंदुर आला शोबतु अनबी जमरता आला कुंतु उतरजिमु बैना इब्न अब्बास व बैन अन्नास فقال ان وفد عبد القيس اتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من الوفد ومن القوم قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا انا نعطيك من شقه بعيده وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبره به ومن ورائنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال هل تدورون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنطم والمزفت قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المطير قال احفظوا واخبروه من وراءكم مجل کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث پاک اس وقت کی ہے جبکہ مکہ المکرمہ 9 हिजरी में फतह हुआ और 8 हिजरी में वफद अब्दुल कैस, ये मशरिक का एक वफद है जिसमें 45 लोग थे। वफद के माना आती है जमात के। मशरिक से एक शख्स जो है मदीना तैयबा हाजिर होते थे, तिजारत के इरादे से आते, तिजारत करने के लिए वो जब आते मदीना तैयबा तो एक मर्तबा आकाए करीम अलैहि सलातो व तस्लीम से उनकी मुलाकात हो गई। ये मुनजिर इनका नाम था। ये मुनजिर ने जब नबी आखिरुज़्ज़मा को देखा, पैगंबर की निगाह पड़ी तो नबी कौनैन अलैहि सलातो व तस्लीम की निगाहे नबुव्वत का पड़ना था। क्या कई करीम ने उनके तमाम हालात को देख लिया। अकई करीम से जब मुलाकात हुई इब्ने मुनजिर की तो ये मुनजिर कहते हैं मेरी मुलाकात जब नबी से हुई तो नबी कौरेन अलैहि सलातो व तस्लीम का बात करने का अंदाज मुझे भा गया, बोलने का तरीका मुझे पसंद आ गया। मेरी जब मुलाकात होती है तो मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे खानदान के तमाम रूसा जो अमीर थे, बड़े बड़े जाने जाते थे, उन तमाम के नाम, उनके बाप के नाम, उनके जो है दादा के नाम सब मुझे बता दिए। कहाँ मदीना है, कहाँ से वो जो है मशरिक से आए हैं, इतनी दूर दूसरे मुल्क से आए हैं। नबी की बारगाह में आका करीम ने उनके खानदान का कोई तारुफ ना तो कभी पढ़ा था, न ऐसा हुआ है कि नबी कौनैन उनके यहाँ तशरीफ ले गए हो, न तशरीफ ले गए, न वहां पहुंचे,
लेकिन आकाए करीम ने उनके तमाम जो है खानदानों के नाम बता दिए। इब्ने मुंजिर कहते हैं कि जब नबी कोनैन ने मुझे मेरे खानदान के नाम बताना शुरू किया तो मैं समझ गया कि ये कोई जादूगर नहीं हो सकता है, ये कोई और नहीं हो सकता है, ये जरूर साबिक और मसबूक अल्लाह का पैगंबर होगा, ये अल्लाह का पैगंबर है। मैंने जो है नबी का कुर्ब हासिल किया, आकाए करीम ने मेरे सामने इस्लाम को पेश किया, मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। नबी कोनैन अलैहि सलातो व तस्लीम ने एक रुक्का जो है एक खत लिखा और लिखने के बाद जो है उनको अता कर दिया और जो है उसमें कुछ लोगों के नाम भी गिना दिए कि फला फला को जो है तुम ये मेरा पैगाम पहुंचा देना। जैसे ही मुंजिर जो है अपने वतन वापस आते हैं और जब वापस वतन आ गए तो उन्होंने उन जिन जिन के लिए नबी कोनैन ने फरमाया था वो तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा किया, नबी का वो रुक्का पेश किया, वो रिसाला पेश किया, वो खत पेश किया और पेश जो भी करता जिसके सामने भी नबी का रुक्का पेश किया जाता वो हर एक जो है आप पर मुसलमान हो जाता, कलमा पढ़ता, इस्लाम कबूल कर लेता। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये इरशाद फरमाया था कि तुम जो है अभी छुप छुप कर दावत इस्लाम पेश करना, इसलिए कि मसलहत ये है दावत इस्लाम छुप छुप कर पेश होती रही, वो जो जो भी मुसलमान होते रहे नमाज पढ़ते रहे, छुप कर नमाज पढ़ लेते, अपने घर में नमाज पढ़ लेते। आखिरकार मामला ये हुआ कि नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन 45 लोगों ने आने का इरादा कर लिया कि देखो तो जो सही मदीना तैयबा हाजिर हो, हम जो है उस पैगंबर को देखें जिसने जो है उंगली का इशारा किया जो चांद के दो टुकड़े कर दिए, जिसने सूरज को पलटा दिया, उस नबी को हम जरा देखें तो सही। अल्लाहु अकबर, ये 45 लोग जो है मदीना तैयबा जाने का इरादा करते हैं और जैसे ही जो है ये इरादा करते हैं पैगंबरी इस्लाम नमाज से फारिग होकर अपने सहाबा को जमा करते हैं और जमा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए उमर तुम देखो आज जो है तुमसे तुम्हारे नबी से मिलने के लिए अहले इराशाम के कुछ जो है लोग आ रहे हैं, तुम्हारे नबी की जियारत के लिए आ रहे हैं, तुम जो है उनका इस्तकबाल करना। अब ये देखें अभी उन्होंने इरादा किया है अपने वतन से नबी की बारगाह में आने का, नबी की बारगाह में आने का सिर्फ इरादा, लेकिन पैगंबरी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जो है तुम्हारे नबी से मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और फरमाते हैं उमर तुम उनसे जो उनका इस्तकबाल करना। पता ये चला कि अगर किसी के यहां कोई मेहमान आए तो मेहमान का इस्तकबाल करना ये नबी की सुन्नत है, हमारे पैगंबर की सुन्नत है किसी मेहमान का इस्तकबाल करना। आज मामला ये है कि इस्तकबाल तो दूर की बात, अगर मेहमान आ भी जाए घर में तो फिर जो है वहां बहुत से तो घर से ही निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तुम बैठो और हम चले। कि पैगंबरी इस्लाम अलैहि सलातो व तस्लीम ने ये इरशाद फरमाया कि ए उमर तुम जो है उन आने वाले का इस्तकबाल करना। पता ही चला कि मेहमान के इस्तकबाल करने का हुक्म मेरे नबी दे रहे हैं, ये सुन्नती रसूल है, इस्तकबाल करना चाहिए। अब वो जो है आए, जैसे ही वो 45 लोग आए और उनके जो सरगना थे
उनके जो सरदार थे उस कबीले के उस खानदान के, उनका नाम था अशज। इन्होंने जो है अपना ऊंट बांधा, मदीना में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद बहुत जल्दी अपनी सवारी से उतरे और ताखीर ना होने पाए करीब मस्जिद में गए और जाने के बाद पहले गुस्ल किया, इसलिए कि नबी की बारगाह में हाजिरी हो रही है। पता ये चला नबी की बारगाह में हाजिरी होने के लिए, हाजिर होने के लिए गुस्ल करना ये हमारे फुकहा मुस्तहब लिखते हैं। आज भी अगर मदीना तैयबा में नबी की बारगाह में हाजिरी का शरफ नसीब हो तो हम जो है पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर होने से पहले गुस्ल कर लें, इसलिए कि गुस्ल करना ये मुस्तहब है। अब जो है उन्होंने गुस्ल किया, दो रकात नमाज नफल की अदा की और दो रकात नमाज नफल अदा करने के बाद पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर कदम बोसी कर ली। बुखारी शरीफ है, मैं इसको बड़े वसूक के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि कहां से कदम बोसी करना, कहां से दस्त बोसी करना साबित है। मैं हदीस पाक से आपको साबित कर रहा हूं। नबी की बारगाह में ये आए, आने के बाद फौरन कदम बोसी की, अकई करीम के दस्ते मुबारक को चूमा। अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि नबी कोनैन अलैहि सलातो व तस्लीम की कदम बोसी करना और अकई करीम के वारिसीन उलमा की कदम बोसी, उनके दस्त बोसी करना और औलिया अल्लाह के मजारात पर हाजिरी देकर दस्त बोसी करना, मजार को चूमना, ये शिर्क और बिदात नहीं हो सकता है, बल्कि सुन्नत सहाबा है। सुन्नत सहाबा है, इसलिए कि उन्होंने जब आकई करीम की दस्त बोसी की तो नबी ने यह नहीं फरमाया कि तुमने तो शिर्क कर दिया, तुम जो है दोबारा मुसलमान हो जाओ, नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका ने इसको जारी रखा। पता ये चला कि दस्त बोसी ये सुन्नत सहाबा है। आए, दस्त बोसी की और दस्त बोसी करने के बाद बैठ गए। अब हदीस के जुमले जो है सुने के इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन बशार ने रिवायत की है। मोहम्मद बिन बशार कहते हैं कि हमें हदीस बयान की है इमाम गुंदुर ने, और गुंदुर कहते हैं कि हमें खबर दी है इमाम शोबा ने, और इमाम शोबा ये अबू जमरा से रिवायत करते हैं। ये अबू जमरा जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मुतरजिम थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में रहते थे और मुतरजिम थे, यानी तर्जमा किया करते थे। अगर कोई दूसरी जबान का आदमी आता तो उसके बारे में बताते थे कि ये जो है ये बोल रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं, तो ये मुतरजिम थे, तर्जमा किया करते अबू जमरा। अबू जमरा कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और लोगों के दरमियान तर्जमा किया करता था। अगर कोई दूसरी जबान का भी हमारे पास आ जाए तो हमें उसकी बात समझ में नहीं आएगी। कोई अंग्रेज आ जाए तो हमें उसकी बात समझने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो आदमी उसकी बात जबान को समझता हो, फिर वो हमें हमारी जबान में बता देगा कि इनका ये मतलब है, ये पूछ रहे। तो हजरत अबू जमरा कहते हैं इन्ना वफदा अब्दुल कैस अतवुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के वफदे अब्दुल कैस नबी की बारगाह में आया और आने के बाद जैसे ही उन्होंने पेश कदमी की आए, फकाल तो नबी ने इरशाद फरमाया मनिल वफदु व मनिल कौम, ये वफद कौन है और किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। कालू रबिया, तो लोगों ने बताया ये कबीला रबिया का वफद है। अकई करीम ने फरमाया मरहबन बिल कौम औ बिल वफद, यानी तुम्हारा आना मुबारक हो।
غیرہ خزایا ولا ندامہ, تم ایسی جگہ آ گئے ہو نہ تو تمہیں دنیا میں شرمندگی ملے گی نہ آخرت میں شرمندگی ملے گی. تم نہ تو دنیا میں رسوا ہوگے نہ آخرت میں رسوا ہوگے, بلکہ دنیا میں بھی تمہیں سرخ روئی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں سرخ روئی نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر, یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے ملاقات کی نبی سے, صحابی بن گئے, اور صحابی کے درجے کو نہ کوئی شہید پہنچ سکتا ہے, نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے, نہ قطب پہنچ سکتا ہے, نہ جو ہے ابدال پہنچ سکتا ہے, بلکہ نبی کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ صحابی کا درجہ ہے. صحابی کا درجہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. صحابی بن گئے, دنیا میں بھی سرخ روئی, آخرت میں بھی سرخ روئی نصیب ہو گئی. قالو, وہ آنے کے بعد پوچھ کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں, انا ناتی کا من شقت بعیدہ, اے اللہ کے رسول, ہم ایک دور دراز جگہ سے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. کہاں سے آئے تھے؟ مشرق سے آئے تھے. اہل مشرق سے یہ لوگ تھے, 45 لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے. پتا یہ چلا کہ کوئی جماعت اگر کسی پیشوا, کسی رہنما کے پاس, کسی مفتی کے پاس جاتی ہے اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو اس کو وفد کہا جاتا ہے اور جانا چاہیے. تو یہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم دور دراز جگہ سے آئے ہیں, پر نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا, حضرت علی کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ میرے صحابہ, اے عمر, تمہارے پاس اہل مشرق کے لوگ آ رہے ہیں, اور وہ اس وقت جو ہے بہت بزرگ اور نیک لوگ ہیں, نیک انسان ہیں. یہ تک سرکار نے فرما دیا. انہوں نے آنے کے بعد یہ عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ, قبیلہ مضر پڑتا ہے, ایک خاندان ہے, وہ خاندان لڑاکو تھا, جھگڑا کرنے والا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں بازار جاؤں گا تو بیچ میں کسی کا گھر پڑے گا اور وہ میرا دشمن ہے, میری تاک میں رہتا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جائے گا نہیں, اس لیے کہ دشمن تو تاک میں ہے کہ اس راستے سے گزرے تو میں اس کو جو ہے پکڑ لوں, اس کو سزا دے دوں. ایسا ہی جو ہے یہ قبیلہ مضر جو ہے کافر تھے, کوئی مسلمان اس راستے سے آ جاتا تو وہ اس کو پکڑتے, سزا دیتے, مارتے. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہی رہیں, لیکن کیا کرے, ہمارا وطن دور دراز ہے, دور دراز سے آنا روزانہ یہ ہمارے لیے مشقت کا سامنا ہے, اس لیے کہ قبیلہ مضر کے کافر لوگ درمیان میں پڑتے ہیں اور وہ ہمیں, انہیں پتہ چل جائے گا ہمیں چھوڑیں گے نہیں, ہمیں ستائیں گے, ہمیں تکلیفیں دیں گے, ہمیں اذیتیں پہنچائیں گے, لہذا ہم آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے ہیں, الا فی شہر حرام, مگر حرمت والے مہینوں میں. یعنی حرمت والے مہینے چار مانے جاتے, یہاں حرمت سے مراد ہے وہ مہینے جن میں زمانے جاہلیت کے لوگ بھی قتل, قتال, لڑائی, جھگڑا, فتنہ, فساد, اس تمام کو حرام وہ بھی جانتے تھے کہ ان مہینوں میں نہ تو کسی سے لڑنا ہے, نہ جھگڑنا ہے, نہ کسی کو قتل کرنا ہے, نہ کسی کو مارنا ہے. ان مہینوں کا وہ بھی ادب و احترام کیا کرتے. اور یہ مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہی مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے, رجب کا مہینہ, اور شوال, ذیقعدہ, ذی‌الحجہ. ذیقعدہ, ذی‌الحجہ اور محرم, یہ تین مہینے. تو یہ چار مہینے کہلاتے ہیں. چار مہینے ایسے ہیں جن میں اسلام کی نشر و اشاعت سے پہلے بھی وہ لوگ لڑائی کو, جھگڑے کو حرام سمجھا کرتے. تو وہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم ان مہینوں میں تو آپ کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں, اس لیے کہ ان مہینوں میں وہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے, اور ان مہینوں کے بعد اگر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چھوڑیں گے نہیں. ہم چونکہ تعداد میں کم ہیں,
इसलिए हम लड़ाई उनसे नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, और हम आपके अलावा ही आपको की बारगाह में ही महीनों में आते हैं। फमरना ब्यामरिन मुखबिरो मिन वराइना, तो आकाए करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमें ऐसी बात का हुक्म दे दें जिसको हम अपने खानदान के दूसरे लोगों में जाकर बयान कर दें, ऐसी बात बताएं। पता ये चला कि अगर कोई आदमी एक बात किसी से सीखता है दीनी बात, तो उसे चाहिए कि वो अपनी उस नेक बात को, अच्छी बात को दूसरे अपने मुसलमान भाई से जाकर बताए। अगर यहां से गए तो अपने घर बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने मुलाकाती को बताएं, दोस्त को बताएं, आबाप को बताएं, इसलिए कि दोस्त तो वही दोस्त है जो आपको सीधे रास्ते पर ले आए, और जो आपकी गलती देखने के बाद आपकी इसलाह ना करे तो वो दोस्त नहीं है बल्कि आपका जानी दुश्मन है। इसलिए कि वो आपको कुछ नहीं कह रहा है तो पता ये चल रहा है कि आखिरत की तरफ जहन्नम में आप जाएंगे उस गुनाह करने की बुनियाद पर, तो वो आपका दोस्त नहीं हुआ बल्कि वो आपका दुश्मन हुआ, दुश्मन। इसलिए जो है अच्छी बात सुनकर जो है दूसरों तक बताएं, दोस्त भी ऐसे बनाएं, ऐसे के पास बैठे जो आपको दीनी बात बताए, और जो आपको जो है गलत रास्ते पे लेके जा रहा है उसके पास ना बैठे ना उठे, इसलिए कि ऐसे के पास बैठना उठना आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। अब जाहिर सी बात है, कोई बेनमाजी के पास बैठेगा तो वो चूंकि नमाज पढ़ने का आदी नहीं है, आप चाह रहे कि नमाज पढ़े, वो आपको बात में लगा लेगा और कहेगा अरे अभी रुको चलो, और कोई ऐसी बात पेश कर देगा जिससे आपका वक्त निकल जाएगा, लिहाजा आपकी नमाज छूट गई। इसलिए बैठे सोबत इख्तियार करें तो किसी सही आदमी की सोबत इख्तियार करें। तो वो पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हमें ऐसी बात का हुक्म दे दें जिस बात को हम अपनाएं और अपने बाद वालों को जो है हम बताएं, न दुखुलु बिहिल जन्ना, जिसके जरिए हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। पता ये चला अच्छी बात सुनने के बाद अगर आप किसी दूसरे को बताएंगे तो उस बात की बुनियाद पर आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे, जन्नत के हकदार बन जाएंगे। अरबाइन व नहा अरबाइन, तो आकाए करीम ने उन्हें चार चीजों का हुक्म दिया और चार चीजों से मना फरमाया, चार चीजें का हुक्म। अमरहुम बिल ईमानी बिल्लाही वहदहु, उन्होंने उन्हें नबी कोनैन ने सबसे पहले एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया, फरमाया कि तुम जो है एक अल्लाह पर ईमान लाओ, अपने बाद वालों जो भी मुलाकात हो जिससे उसको आप ईमान लाने की दावत देना। एक ऐसा अमल है जिस अमल की बुनियाद पर तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। अब बहुत से जो है जमाती निकल पड़े, जैसे मेंढक होता है मेंढक की तरह बरसाती, वो जो है ईमान का हुक्म काफिरों मुशरिकों को नहीं दे रहे बल्कि वो तो मुसलमानों का जो ईमान ला चुके हैं उनका ईमान बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं हम जो है ईमान की बातें करने के लिए निकले, ईमान कहां, नबी का इश्क सीनों से निकालने के लिए निकले। पता ये चला कि नबी ने ये हुक्म फरमाया था कि तुम अल्लाह पर ईमान लाना, अब जो ईमान ला चुका है उसको जो है आप ये कहो कि तुम ईमान लाओ तो बेकार है। इसलिए कि एक मरतबा मिसाल के तौर पर आपने कहा कि हमारा ये काम कर दो, जब वो काम हो गया है फिर आप कहें कि ये काम करो तो बेसूद है, बेकार है। कोई भी अकल वाला आदमी इस बात को नहीं मानेगा। तो ऐसो की सोबत से बचे, इसलिए कि वो आप पर कहते हैं कि हम ईमान के लिए निकले हैं, ईमान की दावत देने के लिए, तो ईमान की दावत काफिरों को दो, जो मुसलमान नहीं है उनको दो, तब आपका ईमान वाला
मामला होगा सही। अब तुम तो जो मुसलमान है उन्हीं के जो है पीछे पड़े हो कि नबी बुजुर्गों के मजारात पर मत जाओ, नबी को भाई जैसे समझो, नबी को इल्म गैब नहीं था, इस तरीके की बातें करने के लिए जो है निकलते हैं, उनका मकसद ये होता है। आका करीम ने फरमाया हल तदरून मल ईमान बिल्लाह वहदहु, क्या तुम जानते हो एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है। आलू तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। तो नबी ने फरमाया कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी इस बात की गवाही देना कि एक अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत करना है, नमाज पढ़ना है, किसी के आगे पेशानी को झुकाना है, तो वो सिर्फ एक अल्लाह की जात है। ये हम भी कहते हैं कि हमारे मुसलमानों में, मोमिनों में, अहले सुन्नत में कुछ लोग गलत काम करते हैं, मसलन किसी मजार पे जाके वो माथा टेक देते हैं, ये बिलाशुबा गलत है, हराम है, नहीं करना चाहिए ऐसा। सिर्फ दस्त बोसी करे, बोसा लें, पेशानी में टेक टेके। हमने देखा यहाँ भी कुछ लोग आते हैं और आने के बाद जो है डायरेक्ट सजदे में गिर जाते। अरे तुम्हें सजदा करना है तो गैरुल्लाह को नहीं बल्कि अल्लाह को सजदा करना है, उसको सजदा करना है जिसने हमें बनाया, पैदा किया, हमारी पेशानी झुके तो उसके लिए झुके जिसने इस पेशानी को बनाया है, और बनाने वाली जात वो अल्लाह की जात है, रब्बुल आलमीन की जात है, आकमुल हाकिमीन की जात है। तो हमें पेशानी झुकाना है तो अल्लाह की बारगाह में झुकाना है। लिहाजा अगर हम भी किसी को देखे ऐसा करता हुआ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हर एक की कि हर एक इस चीज को मना करे, समझाए। बहुत से लोग जो है नहीं मानते, और तो नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, इसलिए कि उन्हें इल्म नहीं है, पता नहीं है, शरीयत को जानते नहीं। इसलिए यह भी सीखना जरूरी है कि कौन सी चीज हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। अब किसी ने जो है बोसा लेने की इजाजत दे दी तो उसने जो है सर टेकना ही शुरू कर दिया, ये गलत, इस तरीके से नहीं करें। तो आका करीम ने बताया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई और जो है इबादत के लायक नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। हमें नबी को खुदा नहीं कहना है, नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि अल्लाह का बंदा ही कहना है। लेकिन बंदों में भी तमाम में आला मकाम, औलिया में, अंबिया में, हर एक में आला मकाम वो हमारे नबी का मकाम। इसीलिए आला हजरत ने कहा है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला और अफजल जो है वो हमारे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। और नबी ने उन्हें हुक्म दिया इकामिस्सलाह, नमाज कायम करना, यानी सबसे पहले इस बात का हुक्म दिया कि तुम जो है इस्लाम लाओ। अब जब इस्लाम ले आए तो अब दूसरी जिम्मेदारी आयद होती है, नमाज पढ़ो, वही ताइज जका, और नमाज पढ़ ली है तो अब अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल से जकात भी निकालो। ये नहीं कि सिर्फ माल जमा कर लिया मोहब्बत में कि अब जो है हम प्लाट खरीद लेंगे, फिर बस ले लेंगे, फिर हवाई जहाज ले लेंगे, फिर मुल्क में एक हाकिम बना जाएंगे, मोदी के सामने खड़े हो जाएंगे। ये तमाम चीजें, ये कभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इसलिए कि ये एक ऐसा लालच जो है, एक ऐसी हिर्स है कि ये कभी पूरी होगी ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें मालिक निसाब बना दिया। अब मालिक निसाब बन जाता है आदमी 7.5 तोला सोना
या 52.5 तोला चांदी या इनमें दोनों में से दोनों की कीमत का कोई सामान अगर इतना है तो उस पर साल में सिर्फ एक मर्तबा जकात 2.5% ये फर्ज है, यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए ये तो आपको निकालने ही हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो ये इससे ज्यादा सब भी चले जाते हैं। कभी कहते हैं क्या क्या करें, बहुत अच्छा कारोबार था, आ गए फुटपाथ पे, सड़क पे आ गए, अब भीख मांग रहे हैं बहुत थे। पता ये चला कि अल्लाह के यहाँ जो है उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत है, बहुत सख्त पकड़ है। इन्ना बतश रब्बी का लशदीद, जब उसने दिया है तो उसके हुक्म को भी मानो, उसको भी अमल करो, और इसके अलावा जो आप देंगे वो सदकात होंगे, नाफिल होंगे, उसमें आपकी नेकियों में इजाफा होगा। वह सौमा रमजान, नबी ने फरमाया और ये भी बताना कि अगर रमजान का महीना पाए तो रमजान के महीने में रोजे रखना ये भी फर्ज है। अब अगर देखा जाए तो जैसे रमजान का महीना अब आने वाला है, बहुत कम लोग हैं दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन रोजा रखते नहीं, कहते हमें बर्दाश्त ना होती। अरे जब तुम्हें यहां इस वक्त एक टाइम के खाने की बर्दाश्त ना हो रही, एक टाइम के खाने की छुट्टी है सिर्फ, शहरी में तो आपने खा ही लिया, फिर इफ्तार में भी खा लेंगे, तो बीच में एक ही टाइम तो बचा दोपहर का, इतनी बर्दाश्त ना हो रही, उन लोगों से तो पूछो जिन्हें कई कई दिन तक जो है रोजी नसीब नहीं होती, खाना मिलता नहीं, जो स्टेशनों पे बैठे हैं और वो ये जो है तमन्ना लिए हुए हैं कि कोई हमें एक वक्त का खाना खिला दे, उनसे तो पूछ ले। इसलिए रब्बे कायनात ने जकात का हुक्म दिया ताकि तुम्हें जो है कम से कम, और रमजान का भी हुक्म दिया कि तुम्हें रोजा रखने के बाद इसका भी पता चल जाए कि भूख में उनका क्या हो रहा है। जब हमसे एक वक्त की बर्दाश्त नहीं हो रही तो जिन्हें रोटी दो दो वक्त, तीन तीन वक्त, दो दो दिन, तीन तीन दिन नहीं मिल रही है, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको उनका तो जायजा हो जाएगा। इसलिए रोजा रखें किसी भी हालत में, कोई भी काम। हमने ये देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो रक्षा चलाते हैं, रक्षा अब तो ये रिवाज कम हो गया, हमने देखा जब हम संभल में थे कि एक बुजुर्ग अच्छी खासी उम्र, तकरीबन 50 साल की उम्र होगी, रक्षा चलाते लेकिन रोजा न छोड़ते, रोजा रखते। कहा के पूछा गया तुमसे ये इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें कोई थकावट कोई गिरावट तो नहीं महसूस होती? वो बयान करती कि थकावट की पूछ रही, मैं और दिनों में जिन दिनों में रोजा नहीं रखता हूं उन दिनों में थक जाता हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे की ये बरकत रखी है कि मैं और ज्यादा जो है खूब सवारी ढोता हूं, लेकिन मेरे जिस्म में थकावट नहीं महसूस होती। पता नहीं ऑटोमेटिक ताकत कहां से आ जाती है, ये नेक नियत तो है, करके देखें इसे। और जो ये सोचेंगे कि आप बहुत लंबा दिन है, 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, 14 घंटे तक कुछ नहीं खाना, अब ये हिसाब लगाएगा तो लगाता ही रहेगा। इसलिए कि दरिया अगर बीच में नहर है, कोई ये सोचता रहे कि मैं कैसे पार करूं, कोशिश करे ही नहीं तो वो कभी भी जो है पार नहीं कर सकता, और जब जो है छलांग लगाया अगर बीच में ही गिर जाए तो कहेगा अभी इतना पहुंचा, इतनी है मेरे अंदर, और भी कर सकता हूं, तो वो एक वक्त वो आएगा कि वो दरिया पार कर लेगा छलांग लगाकर। ये करके देखा जाए, आजकल ये सब मामला मुशाहदा है, मोटरसाइकिल चलाने वाला ये सोचने लगे यार कहीं गिर ना जाऊं तो कभी भी नहीं चला पाएगा, एक मरतबा चोट खा जाता है फिर उसके बाद जो है फिर चलाता है, तो एक वक्त हुआ था वो अच्छा खासा ड्राइवर बन गया। तो ये चीज होनी चाहिए, ये रोजा रखना ये फर्ज है। आका करीम अलैहि सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया व तुतुल खुमसा मिनल मगनम, यानी माले गनीमत से पांचवा हिस्सा जो है
वो निकालना, ये भी है। माल गनीमत क्या होता है, मैदान कारजार में गए, दुश्मन के मुकाबले में लड़े, तो हो सकता है कि आप जीत जाएं। जब जीत जाएंगे तो दुश्मनों का जो माल आपको हासिल हुआ, वो माल आपको गनीमत में मिल गया, ये आपके लिए जायज है, मुबाह है। और इसमें से जो आपको मिला है पांचवा हिस्सा राह खुदा में देना है, पांचवा हिस्सा। आका करीम ने इरशाद फरमाया, व नहाहुम अनिल दुब्बा वल अंतम वल मुज़फ़्फ़त, के नबी कोनैन ने उन्हें चार बातों का हुक्म दिया था और चार बातों से रुकने का हुक्म दिया था। वो चार बातें जिनको करने का हुक्म दिया वो तो बयान कर दी गई, अब यहां चार बातें वो हैं जिनके न करने का नबी ने हुक्म दिया। आका करीम ने उन्हें रोका था दुब्बा से, हंतम से, मुज़फ़्फ़त से और नकीर से। ये दुब्बा क्या है, जब शराब की हुरमत नाजिल हुई तो पहले शराब बनाते थे लोग, का जो लौकी का कशकोल, लौकी के अंदर सुखाकर लौकी को अंदर से उसका गूदा निकाल लिया जाता और एक जगह से ऊपर से एक तरफ से काट दिया जाता थोड़ा सा, फिर उसमें जो है अंगूर का शीरा निचोड़ कर उसमें रख देते और शराब तैयार करते। तो आका करीम पर जब शराब की हुरमत नाजिल हो गई तो नबी ने उस बर्तन को भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया जिस बर्तन में शराब तैयार की जाती थी। तो दुब्बा में जो है लौकी के कशकोल में शराब तैयार की जाती। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि इन बर्तन में दूसरी मशरूब भी, कोई पानी वगैरह दूसरी चीज भी बनाकर जो है न पियो न खाओ, इसलिए कि पहले तुम इसमें शराब तैयार करते, अब जो है जब तुम बाद में दूसरी चीज जो है इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि वो चीज तुम्हें फिर याद आ जाए शराब की, फिर शराब पीने लगो, एक मर्तबा तुमने तौबा कर ली है तो अब जो है दोबारा ये काम ना कर बैठो। और हंतन से भी मना फरमाया, हंतन ये जो है एक मटका होता सब्ज रंग का, उस पर अंदर से जो है रंग कर दिया जाता ताकि उसमें मिट्टी का रेशा वगैरह वो ना आए पानी वगैरह में, फिर उसमें मटके में शराब बनाई जाती। तो ये हंतम जो है मटका, इस मटके के इस्तेमाल करने पर भी अल्लाह के रसूल ने पाबंदी लगा दी कि इस मटके को जिसमें शराब पी जाती है उसको इस्तेमाल तक मत करना। आज शराब पी रहे और बताए जा रहा कि ऐसा बता रहे ज्यादातर मुसलमान पी रहे हैं, अल्लाह अकबर, शराब ज्यादा मुसलमान पी रहे हैं, बड़ी हैरत की बात कि शराब जो नजिस है, शैतानी अमल है, उससे लोग बाज नहीं आ रहे, शराब पी रहे हैं। उस पर लिखा हुआ भी आता है कि ये शराब एक ऐसी चीज है फेफड़े गला देती है, ये टीबी बना देती है, ये जिस्म को तबाह कर देती है। जो चीज हराम है वो कभी भी मुफीद साबित नहीं हो सकती, फायदा नहीं दे सकती नुकसान के अलावा। आका करीम ने मुज़फ़्फ़त से भी मना फरमाया, मुज़फ़्फ़त जो है ये एक लकड़ी का जो है बर्तन तैयार की जाता और उस बर्तन में शराब बनाई जाती, तो नबी करीम ने इस बर्तन के, लकड़ी के बर्तन जिसमें शराब पी जाती उसके इस्तेमाल से भी मना फरमाया। और नकीर, इसके भी इस्तेमाल से आका करीम ने मना फरमाया। ये जो है तारकोल का जो है बनाया जाता, यानी एक मटका होता उस पर तारकोल ऊपर से लगा दिया जाता और शराब बनाई जाती, शराब जो है उसमें और ज्यादा नशा ज्यादा आता है इन बर्तनों में के इस्तेमाल करने में। तो आका करीम ने फरमाया कि शराब भी हराम है, कुल्लू मुस्किरिन हराम, हर नशा देने वाली चीज हराम है, लिहाजा नशा देने वाली चीज जिस बर्तन में भी बनाई जाए उस बर्तन को भी इस्तेमाल मत करना। और रावी कहते हैं सरकार ने फरमाया ए फजूहू, इसकी हिफाजत कर लो,
واخبروا من وراءكم اور اپنے بعد والے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ. اب جب تم یہ عمل ایسے ہیں ان عمل پر اگر تم پابندی سے عمل کر لوگے تو اللہ رب العزت تمہیں ان کے کام کرنے سے ان چیزوں کے بچنے سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی سیرت نبویہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.